नमस्कार, स्पोर्ट्स की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। श्रीलंकाई दिग्गज महला जयवर्धन ने अपनी संघर्षरत राष्ट्रीय टीम के लिए सलाहकार की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने जयवर्धन और कुमार संगकारा सहित कई पूर्व दिग्गजों से विशेष समिति में शामिल होने के लिए कहा, जो टीम को फिर से जीत की राह पर लौटाने के लिए अपनी सलाह देते। स्विट्जरलैंड ने शानदार प्रदर्शन कर फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई में रविवार को 5 बार के चैंपियन ब्राजील को 1-1 की बराबरी पर रोक लिया। फुटबॉल विश्व कप में 40 साल बाद ऐसा हुआ है कि ब्राजील अपना प्रारंभिक मैच नहीं जीत पाया। ब्राजील टीम का प्रदर्शन स्तर के अनुरूप नहीं रहा और स्टार खिलाड़ी नेमार भी प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाए। वहीं हिरविंग लोजानो के एकमात्र गोल की बदौलत मेक्सिको ने फीफा विश्व कप के ग्रुप एफ के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन जर्मनी को 1-0 से मात दे दी। यह 1982 के बाद पहला मौका है जब जर्मनी को विश्व कप के पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है। जर्मनी की आक्रमण पंक्ति मेक्सिको के मजबूत डिफेंस को भेदने में नाकाम रही। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इस महीने के आखिर में होने वाली सालाना कॉन्फ्रेंस में गेंद से छेड़छाड़ के मामलों में कठोर सजा की पैरवी करेगी। श्रीलंका के कप्तान दिनेश चांदीमल पर वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। आईसीसी इस तरह के अपराधों को लेवल 2 से लेवल 3 का करने का विचार कर रही है। बॉल टैंपरिंग विवाद के बाद डेविड वार्नर ने पहली बार बल्ला अपने हाथों में थामा। पिच पर उतरते ही डेविड वार्नर का जादू एक बार फिर से चला। विश्व क्रिकेट को चौंका देने वाले इस विवाद के बाद डेविड वार्नर हाल ही में पहली बार क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया नेशनल हाई परफॉर्मेंस स्क्वाड के एक अभ्यास मैच में 130 रनों की शानदार पारी खेली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे एंड लाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्ड के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।